Hello world, this is Amir and I welcome you all on the episode of AI Hindi Show. और आज के एपिसोड में मैं बहुत कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, तो मैं उनका मैसेजेस लेके आया हूँ. उनके मैसेजेस का मैं आंसर करूंगा और बताऊंगा किन किन ने मुझे क्या क्या मैसेज भेजा था. और उन्हीं में से हो सकता है आपका भी कोई ऐसा कोई मैसेज हो, उन्हीं में से ऐसे कोई मैसेज आपका भी हो, तो लेट्स स्टार्ट. बट उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कभी आपने ये सोचा है कि अभी तक किसी ने आपको परफेक्ट पाथ ऑफ डेटा साइंटिस्ट क्यों नहीं बताया? अभी तक आपके पास ऐसा कोई ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, AI, कंप्यूटर विजन, हर चीज पे वीडियोस डाल रहे हैं, फ्रॉम इंडियंस टू फॉरनर्स. बट उन्होंने अभी तक आपको एक प्रॉपर पाथ क्यों नहीं दिया कि हाँ ये पाथ पर चलते चले जाओ, हाँ वो पाथ पर चलो, आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे. सोचा है कभी क्यों नहीं दिया है? क्या वो बुरे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं एक सच बात बता दूं आपको मैं कि डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर या कोई भी चीज बनने के लिए एक परफेक्ट पाथ नहीं होता है. अगर आप सोचते हैं कि मिस्टर हितेश चौधरी के आप पाथ पर चल देंगे तो आप बन जाएंगे बढ़िया, एक तो मिस्टर कृष्ण नायक हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं, तो वो उनके पाथ पे आप चल देंगे तो आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं है ना, आप नवीन रेड्डी मिस्टर नवीन रेड्डी के आप पाथ पर चल देंगे तो आप मिस्टर नवीन रेड्डी जैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता. सबका अपना अपना पाथ है, सबका अपना अपना रास्ता है. मेरा अपना अलग रास्ता था मशीन लर्निंग इंजीनियर का. अगर मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो आप कहोगे ये तो आप उस पर चलने से भी कोई फायदा नहीं है, आप नहीं बन पाओगे. एलन मस्क की स्टोरी सबको पता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप एलन मस्क की पाथ पे चलते चलोगे तो आप एलन मस्क के बराबर पहुंच जाओगे. भाई ऐसा नहीं होता. तो कभी भी किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी प्रैक्टिशनर से, किसी भी टीचर से आप ये पूछिए कि मुझे परफेक्ट पाथ बता दो पर मुझे चलना हो, ना ऐसा हो ही नहीं सकता. आपको अपना पाथ खुद चूज करना होगा, आपको अपना पाथ खुद चूज करना होगा. और अगर मैं अपनी बताऊं कि मेरा क्या है, तो मेरा इतना बिजायर है ना, मतलब मैंने पाइथन सीखी थी 2016 में, एक्चुअली 2016 सीखी थी और मैंने इतनी इंटर्नशिप ढूंढी थी उस टाइम पाइथन की. पाइथन 2.x सीखी थी, 2.7 सीखी थी मैंने उस वक्त, और मैंने इतनी इंटर्नशिप ढूंढी थी. आप मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछिए, आप मुझे लिंक्डइन पे समीर निगम डालेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल. अगर आप मेरे दोस्तों से पूछेंगे, मेरे कॉलेज के दोस्तों से पूछेंगे जिन्होंने मेरे साथ इंटर्नशिप करी या जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज हम लोग देने जाते थे, तो मैंने कितना कोशिश किया कि मुझे पाइथन की इंटर्नशिप मिल जाए. मुझे पाइथन, मैंने अपना टाइम पाइथन इन्वेस्ट किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ गेम डेवलपर. तो मैंने गेम्स बनाए थे, मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज थी पाइथन की उस वक्त, बट मुझे एक भी इंटर्नशिप नहीं मिली. 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2016 की. बट हालांकि मैंने PHP सीख रखी थी उसके एक साल पहले, मैंने एक कोचिंग से PHP सीखी थी, तो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे PHP में इंटर्नशिप करनी पड़ी. और PHP में इंटर्नशिप करी, चलो अच्छी बात है, मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे बहुत अच्छी टीम मिली. आज तक मैं उन सर से कॉन्टैक्ट में हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया था. बट मुझे दुख था कि मुझे पाइथन में क्यों नहीं मिली. बट जैसे ही मैं 2018 में पास आउट हुआ, देखा पाइथन बूम पर, बट आई वॉज प्रोफेशनल इन PHP एट दैट टाइम. तो मैंने एज अ PHP डेवलपर मैं एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किया लखनऊ में ही, और उस कंपनी में मैंने PHP डेवलपर से वेबसाइट्स बनाई, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई लोगों को. बट मैं साइड में पाइथन करता रहता था बिकॉज आई वॉज हैविंग दैट सम कॉन्शियस इंटरेस्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, एंड एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू एक्सपर्टीज. इंटरेस्ट था मेरे अंदर तो मैं पाइथन पढ़ता रहता था. और मैं जब मैंने ये देखा कि पाइथन बूम पे है, तो मैंने पाइथन 3.x उठा ली. ठीक है, पाइथन 3.x, मुझे कुछ बुक्स मिली, कुछ बुक्स रिफर्स हुई, मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी थी उस समय में, मुझे टीचर अच्छे मिल गए थे उस वक्त, तो मैंने किया काम. और देन मैंने उस कंपनी में बोला कि मुझे पाइथन में काम करना है, मैं अब आगे से वेबसाइट पाइथन और जैंगो पे बनाऊंगा. दे अलाउड मी. अब बेसिकली आप सोच सकते हैं कि क्या मतलब कैसे किया वहाँ पे मैंने पाइथन की वहाँ ट्रेनिंग दी लोगों को, पाइथन की ट्रेनिंग देता था, पाइथन की वेबसाइट बनाता था. फिर मैंने कंपनी चेंज करी, दूसरी कंपनी में गया, वहाँ भी मैंने पाइथन ट्रेनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट बनाई. उसके बाद मैं साइड हसल में मशीन लर्निंग सीखता रहता था. ये था बेसिकली. और उसके बाद तो मशीन लर्निंग के लिए जॉब अप्लाई किया और आई गॉट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द कंपनी इन लखनऊ और मैंने ज्वाइन कर लिया. वो चलिए बात की बात है. तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप मेरे पाथ पर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा
मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब, ऐसा नहीं है यार, एकदम ऐसा नहीं है। आपको अपना पाथ खुद चूज करना पड़ेगा, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। बट मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली में पाइथन में मशीन लर्निंग में पहुंचने से पहले आपको क्या क्या आना जरूरी है, व्हाट यू नीड, कि आपको क्या क्या चीजें नीड पड़ेंगी, क्या क्या चीजें आपको आना जरूरी है, और क्या चीजें इफेक्ट करती हैं आपके और एक दूसरे बंदे के इंटरव्यू में, कि आप एक जगह गए हैं दूसरा बंदा गया है तो क्या इफेक्ट करेगा, आपका कैसे पल्ला भारी हो सकता है। तो अगर मैं पाइथन की बात करूं तो हम सबको पता है कि मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज है पाइथन। पाइथन से ऊपर कुछ नहीं, सबसे पहली चीज पाइथन या फिर आर या फिर जावा या फिर सी प्लस प्लस। बहुत सारी कंपनीज अभी भी सी प्लस प्लस यूज करती है मशीन लर्निंग के लिए। आपको पता है मशीन लर्निंग के लिए अभी भी सी प्लस प्लस यूज होती है, इवन इंटेल जैसी कंपनी भी सी प्लस प्लस यूज करती है मशीन लर्निंग के पर्पज के लिए। तो पाइथन आर इन सब में से कोई चूज करिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने अभी तक कोई लैंग्वेज चूज नहीं करी तो पाइथन चूज करिए, आंख बंद करके पाइथन चूज करिए। उसके बाद पाइथन चूज करने के बाद आता है आपका डेटा साइंस वाला पार्ट, ठीक है, डेटा साइंस वाला पार्ट आता है जिसमें आता है आपका डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस में आता है डेटा विजुअलाइजेशन होता है, और डेटा विजुअलाइजेशन में यू नो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ आपका उसमें डेटा क्लीनिंग होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, और शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, अपने इनसाइट्स को शेयर करने की कला होती है, वो होता है। उसके बाद आता है आपका मशीन लर्निंग का पार्ट। ये बात याद रखिएगा, मशीन लर्निंग इनके पहले आप कर ही नहीं सकते हैं, पाइथन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस के अलावा आप मशीन लर्निंग कर भी नहीं सकते हैं। आपको मशीन लर्निंग करनी पड़ेगी, मशीन लर्निंग के पहले ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। डेटा क्लीन होना बहुत जरूरी है मशीन लर्निंग में अंदर जाने से पहले, और उसमें से इंसाइट्स निकालना जरूरी है कि क्या इंसाइट्स है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस या हमारे प्रोडक्ट पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें तो करनी है। और उसके बाद होता है मशीन लर्निंग का पार्ट। मशीन लर्निंग में आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, के नियरेस्ट नेबर, के मींस क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग का पूरा आ जाता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये आता है यहाँ तक। उसके बाद आता है एआई। अब एआई में, एआई के लिए क्या है कि आप अकेले नहीं कर सकते एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थिंग जो आप अकेले अपने दम पे बना ले, मतलब जिंदगी लगाएंगे तो बना सकते हैं, बट इफ यू हैव अ टीम तो क्या बुरी बात है। आपने एआई चूज करी तो आप एआई का एक हिस्सा है, फिर एक हिस्सा कोई और भी होता है, दूसरा हिस्सा कोई और भी होता है। तो इस तरीके से एआई का काम करता है। तो एआई अकेले वाली चीज नहीं है। हाँ, कंप्यूटर विजन एक खुद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट आप अगर आप वो एआई सोचते हैं जो रोबोट्स होते हैं और बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वो सब चीजें तो आपको टीम पे ही काम होता है, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम चाहिए होती है उस पर काम करने के लिए। वो चलिए अभी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीजें आनी है। पाइथन, मैं पाइथन एज अ लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, पाइथन और आपकी ये चार चीजें जो डेटा एनालिसिस होता है, डेटा विजुअलाइजेशन होता है, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस जो होता है बीच बीच में, वो आपको आनी चाहिए, प्लस मशीन लर्निंग के जितने भी लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, और के नियरेस्ट नेबर, के मींस क्लस्टरिंग, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें हैं। बट अब यही सब सुनने के बाद आप लोगों को डर लग जाता है कि यार इतनी सारी चीजें हैं कैसे करूंगा, यही गड़बड़ है। सबसे पहली चीज पाइथन स्टार्ट कर दीजिए, फॉरगेट अबाउट मशीन लर्निंग, क्या मशीन लर्निंग के अंदर चीजें हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, क्या कंप्यूटर विजन। सबसे पहली चीज है स्टार्टिंग, और सबसे कठिन चीज भी है स्टार्टिंग। पहली चीज और कठिन चीज भी स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग ही करना मुश्किल होता है, बाकी तो फिर आसान है। मिस्टर नवीन रेड्डी के चैनल पर जाइए और पाइथन का ट्यूटोरियल अभी के अभी करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पाइथन की ट्यूटोरियल को करने से आप पाइथन मास्टर बन जाएंगे, पाइथन गुरु बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज तो नहीं है। बट हाँ, मिस्टर नवीन रेड्डी के ट्यूटोरियल से आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कोडिंग कर सकता हूँ। मिस्टर नवीन रेड्डी एक बहुत बहुत यू नो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं, वो स्टूडेंट्स को तो देते ही है, कॉर्पोरेट्स में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हिज लेवल ऑफ टीचिंग इज वे अदर देन एनी अदर इंडियन टीचर्स राइट नाउ ऑन यूट्यूब। तो मैं इसलिए ये बोलूंगा कि आप मिस्टर नवीन रेड्डी के चैनल पे जाइए और
पूरी पाइथन की सीरीज आप देख डालिए, जैंगो भी है उसमें, जैंगो भी करना चाहे जैंगो भी कर सकते हैं, पूरी पाइथन की सीरीज देख डालिए। इससे मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी पाइथन कर सकता हूँ, मैं भी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। तो मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अभी तुरंत अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं एक बिग ओ नोटेशन विद पाइथन पे एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट मैंने पहला वीडियो बना लिया है और उसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मतलब नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, बिकॉज मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लाइक ठीक ठाक रिस्पॉन्स, जितने फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं जरूर उसको आगे बढ़ाऊंगा और वो एक ऐसा ट्यूटोरियल होगा जो बिग ओ नोटेशन आपका क्लियर कर देगा। इवन आपके बिग ओ नोटेशन आपके कॉलेज में भी काम आएगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स में काम आएगा और आपके लाइफ में भी काम आएगा। तो वो जो ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे मैं डालूंगा, उसके लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं यू नो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी भी। तो ये ऐसा कुछ होगा आगे जाके। तो पाइथन की जब आप उनकी सीरीज कंप्लीट कर ले तब आप मेरे चैनल पे आइए। तो मेरे चैनल पे मैंने बिग ओ नोटेशन विद पाइथन ही है, वो और कोई नहीं है, पाइथन के साथ ही मैं बिग ओ नोटेशन कर रहा हूँ। तो वो बिग ओ नोटेशन की क्लास करेगा जिससे आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नॉलेज होगी कि हाँ ये इस तरीके से काम करता है, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी। और मैं कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये कोर्स कर लीजिए वो कोर्स कर लीजिए, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज आप अपनी स्टार्टिंग कर दीजिए, आपको खुद सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो आप सबसे पहले काम करिए, सबसे पहले आप टेलेस्कोप चैनल का यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको खुद रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको स्टार्टिंग करनी है। तो स्टार्ट कर दीजिए आप उनके ट्यूटोरियल्स देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू एनी कंसेप्ट, अगर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन पे कोई भी कंसेप्ट अगर आपको हिंदी में समझना है, तो आप जरूर मुझे मैसेज करिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, और वो कॉन्सेप्ट को मैं हिंदी में जरूर समझाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।